इसलिए स्टार्ट मैं आज आपको दिखाऊंगी कैसे मैं अपने क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज करती हूँ, अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करके ट्रांसफॉर्म करती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट लेट्स गेट स्टार्टिंग। मैं आज आपको शो कर देती हूँ मेरी ये वार्डरोब है, ये वाला पार्ट है वो मेरे क्लोथ्स का है। आफ्टर दैट ये टू पार्ट्स मेरे मेकअप और स्किन केयर के हैं। नाउ आई विल शो यू, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ हाउ मैसी इट वॉज, बहुत मैसी सी है। लेट्स स्टार्ट, आई विल शो यू हाउ आई ऑर्गेनाइज माय क्लोथ्स एंड हाउ आई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माय वार्डरोब। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले कितनी मैसी सी हो रही थी, नाउ आई एम फुली सेटिस्फाइड माई ट्रांसफॉर्मिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग माई वार्डरोब। आफ्टर दैट मैं सबसे पहले आपको इसका अपर पोर्शन शो करती हूँ कि मैंने इसको क्या क्या कैसे कैसे लगाए हैं, मैंने अपने क्लोथ्स कैसे मर्ज किए हैं। आफ्टर दैट मैं आपको नीचे का पार्ट, नीचे का पोर्शन दिखाऊंगी कि मैंने उसको कैसे ट्रांसफॉर्मिंग की है। सो लेट्स गो। सो गाइस, मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपना एक नाइट सूट लगाया है, बिकॉज अगर मुझे कहीं पे भी जल्दबाजी में आउटगोइंग करनी हो और वन डे का स्टे करना हो तो मैं एक प्रेफर अपना एक नाइट सूट लेकर जाती हूँ। यू कैन सी ये मेरा नाइट सूट है, जी मैं अपना एक नाइट सूट प्लस मैं स्लीपर्स उसका पैक रखती हूँ, बिकॉज मुझे अगर कहीं पे भी जाके वन डे का स्टे करना हो तो मुझे इतनी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े अपने नाइट सूट के साथ। आफ्टर दैट ये मेरी एक कुर्ती मैंने करी है, या इस साइड मैंने सारी मिडीज लगाई है, मिडीज लगाई है वेस्टर्न और ट्रेडिशनल बोथ, ये मेरी सारी मिडीज का सेक्शन है। आफ्टर दैट ये थोड़ा सा वेस्टर्न लुक आ जाएगा, इसमें मैंने अपनी सारी लेगिंग जोकर्स प्लस प्लाजो पैंट्स प्लस डेनिम जींस लगाई है हैंगर में, यू कैन सी। आफ्टर दैट ये मेरा टॉप का सेशन है, इसमें मैंने सारे टॉप्स लगाए हैं, मुझे कोई भी अगर टॉप वियर करना हो तो मैं इस अकॉर्डिंग में कोई भी अपनी डेनिम जींस या जोकर्स के साथ उसको मैच करके यार इजीली वियर कर सकूं। आफ्टर दैट गाइस ये मैंने अपने हेयरबैंड्स, ये मेरा हेयरबैंड का सेशन है, बिकॉज मेरे को अगर कोई भी इसमें से कोई भी ड्रेस वियर करनी होती है तो मुझे उसके मैचिंग का हेयरबैंड लगाना बहुत पसंद है, कलर के हेयरबैंड लगाना पसंद है विद द मैचिंग ऑफ ड्रेस। सो आफ्टर दैट कम टू दिस साइड, दिस साइड पे मेरे सारे न्यूली क्लोथ्स हैं, यू कैन सी इसके टैग्स भी नहीं अभी तक उतरे हैं, मेरे सारे ये न्यूली कपड़े हैं। सो सबसे पहले ये है मेरे कुछ गिफ्टेड मेरे क्लोथ्स हैं और कुछ मैंने खुद परचेज किए हैं बट मैंने इनको अभी तक वियर करके नहीं देखा। ये है आफ्टर दैट ये जंप सूट है एंड दिस इज द क्लोथ्स जो मैंने ब्रांड में अब से मंगाया है। मोस्टली अगर मैं आपको बताऊं कि मैं अपने मोस्टली क्लोथ्स की शॉपिंग्स कहाँ से करती हूँ तो मोस्टली मैं ब्रांड में अब से करती हूँ, इंस्टाग्राम वेबसाइट है प्लस उनकी एक वेबसाइट भी है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। यू वॉन्ट एनी क्लोथ फ्रॉम देयर, यू वॉन्ट टू शॉप विद दैम, यू कैन डीएम दैम एंड शॉप विद दैम। एंड आफ्टर दैट ये मेरे सारे न्यूली क्लोथ्स हैं जो मैंने अभी तक वियर नहीं किए हैं, ये सारे श्रक्स हैं। अगर मेरे को समर में कहीं जाना होता है श्रक वियर करके जाना प्रेफर करती हूँ बिकॉज मेरे को टाइमिंग का बहुत इशू रहता है। ये सारे जैकेट्स हैं, ये जो था ये तो मेरा सारा अपर पोर्शन का डेमो था कि ये मैं कैसे करती हूँ, इस साइड मिडी, इस साइड टॉप, जैगिंग्स, जींस। आफ्टर दैट ये मेरे हेयर बैंड्स हैं, आफ्टर दैट में मेरे सेट्स बने हुए हैं, सारे न्यूली हैं, मैंने इनको अभी तक पहन के नहीं वियर किया है, न्यूली है। आफ्टर दैट ये मेरे श्रक्स हैं एंड दिस डिपार्टमेंट इज ओनली फॉर जैकेट्स। अब हम बात करते हैं पोर्शन का,
इस वन साइड पोर्शन में मेरे ऐसे हुक्स मैच करवाए थे मैंने। आफ्टर दैट मैं इस साइड अपने पूरे स्कार्फ लगाना पसंद करती हूँ। अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं इस साइड पूरे स्कार्फ लगा लेती हूँ। आफ्टर दिस साइड ये मेरे मोस्टली यूज होने वाले पर्सीज क्लचेस हैं, जो मैं मोस्टली अगर कहीं पे भी कॉलेज या फिर इनकेस मैं जॉब पर जाती हूँ तो मैं ये ही प्रेफर करती हूँ पर्स। अदरवाइज अगर आपको मेरे और भी पर्स का कलेक्शन देखना है तो कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको जरूर आपके साथ वो शेयर करूंगी। आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं हमारे नीचे के पार्ट पोर्शन की। सो नीचे के पोर्शन में सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि मैंने इसको कैसे लगाया है। मैं नीचे के पोर्शन की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये मेरे एक साइड पूरी टी शर्ट्स लगी हुई हैं। मेरे को रेगुलर बेस पे मैं टी शर्ट्स ही पहनना प्रेफर करती हूँ, तो ये मेरी सारी टी शर्ट्स का कॉलम है। आफ्टर दैट ये मेरी डेली यूज़ की जेगिंग्स हैं जो मेरे को नीड पड़ती है। आफ्टर दैट ये मेरे सॉक्स या फिर समर या विंटर बोस सॉक्सीज का कॉलम है। आफ्टर दैट ये मेरे बेल्ट्स का कॉलम है और इसके आगे ये मेरे सारे मास्क। सो आफ्टर दैट ये जो ये है मेरा, ये पूरा मेरा हैंकी का कॉलम है। आफ्टर दैट ये मेरे वो टॉप्स हैं जो मैं अगर नॉर्मली कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैं उसको वियर करना इनको पसंद करती हूँ। आफ्टर दैट ये आप देख रहे हैं, इसकी बात करूँ तो ये मेरा स्किन केयर मंथली स्किन केयर वीकली बॉक्स है। आई विल शो यू, अगर आपको भी इसके ट्रांसफॉर्मिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा वीकली स्किन केयर बॉक्स है जो मैं वीकली में अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन पे। आफ्टर दैट ये मेरा मंथली स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, यू कैन सी। मेरा एक साइड जो बॉक्स है ये मेरे इनर वियर्स का है। आफ्टर दैट ये मेरे सारे नाइट सूट है जो मैं डेली बेसिस में प्रेफर करती हूँ वियर करना। आफ्टर दैट ये सारी मेरी सैंडोज हैं। दैट ये मेरी पर्सनल बुक है, मेरे सारे वो टॉप्स हैं, मुझे सारे टॉप्स सारे ड्रेसेस गिफ्ट किए तो ये वो है। आफ्टर दैट ये मेरी कुछ ऐसी ड्रेसेस हैं जो मैंने आपको जैसे बताया मुझे कपड़ों का बहुत शौक है। यू कैन सी मेरे कितने कपड़े हैं अभी तक क्लोज जिसमें मेरे सब में टैग लगे हुए हैं। इवन मैंने इनको पहन के भी नहीं देखा तो ये भी वही हैं, इन सब में टैग मेंशन है, मैंने इनको अभी तक पहन के वियर नहीं किया है। यू कैन सी, सो ये है मेरा ट्रांसफॉर्मिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग माई वार्डरोब। कैसा That's all about my transformation of my wardrobe. Yes, so I am truly satisfied and I am so happy after seeing my transformation of my wardrobe and organizing so beautifully. So if you liking the video, please give some big thumbs up to the video and subscribe my channel. Don't forget to hit the notification bell as well. Notification bell hit करेंगे तभी आपको मेरी channel के और videos की upcoming videos की notification मिलती रहेगी। और साथ अगर आपको मेरे और makeup, shoes and slippers and purse regarding अगर आपको transformation and organizing video देखनी है so comment down below and share your view with me and comment down below आप मेरी upcoming videos में क्या देखना चाहते हैं। Till then stay safe, stay home, bye bye।